Hello students, welcome to the 11th class on current affairs. In this class we will be dealing with the topic that is related to international relations, and the name of the topic is what role India can play, with respect to North and South Korea. Now this is very very important from mains examination point of view. Hindustan kya role play kar sakta hai North or South Korea ke relation ko leke. Now agar North and South Korea isko samajhne ke liye pehle to hume history ko samajhna padega, background kya hai North and South Korea ke relation ka. Secondly hume samajhna padega India एंड नॉर्थ कोरिया का रिलेशनशिप खराब किन कारणों के वजह से रहा है. थर्डली वी नीड टू अंडरस्टैंड प्रेजेंट सिनारियो. प्रेजेंट सिनारियो कैसे चेंज हो गया है जिसकी वजह से इंडिया कैन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. नाउ सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है कि साउथ कोरिया के जो प्रेजिडेंट हैं ही इज इन इंडिया for a 4-day official visit. So India's relationship with South Korea will be getting better because of this visit. But in order to understand the real importance of this visit, first of all we need to understand the history of North and South Korea. Now North and South Korea, before Second World War, it was a single country. It was a unified country. Now the country got divided after Second World War, and the north part of it began to be known as North Korea, and south came to be known as South Korea. And North Korea ka jo ideology hai wo communist ideology tha. Alag kyun hua? Kyunki ideology alag alag ho gaya. North Korea ko support karta tha Russia aur China. But when it comes to South Korea, it had been supported by USA and it had exhibited ye kis ideology ke liye stand karta tha, that was the ideology of capitalism. Now because North Korea ne communist ideology ko adopt kiya after Second World War, to sabse bada dushman North Korea ka USA ban gaya, and that was the reason कि नॉर्थ कोरिया ने अपनी प्रोटेक्शन के लिए, अपनी आइडियोलॉजी को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने आप को मिलिटेरली स्ट्रेंथ करना शुरू कर दिया, स्ट्रेंथन करना शुरू कर दिया. अभी मिलिटेरली स्ट्रेंथन किस तरह से होना शुरू हुआ नॉर्थ कोरिया? दिस वाज डन बाय न्यूक्लियराइजिंग, बाय अडॉप्टिंग द न्यूक्लियर पावर, बाय अडॉप्टिंग न्यूक्लियर वेपन पावर. तो न्यूक्लियर वेपन डेवलपमेंट NWD करना शुरू कर दिया नॉर्थ कोरिया ने, एंड सबसे बड़ा दुश्मन नॉर्थ कोरिया का बन गया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. बिकॉज USA, फ्रांस, ये कुछ चाइना, रशिया, ये कुछ ऐसे देश हैं जो न्यूक्लियर पावर्स थे, एंड दे हैड नेवर वॉन्टेड द अदर कंट्रीज टू अक्वायर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, स्पेशली द न्यूक्लियर वेपन टेक्नोलॉजी. एंड इंडिया had also wanted that North Korea should not have access to the nuclear weapons, because earlier the Pakistan had also adopted this nuclear technology. So India kyun against ho gaya North Korea ke? Kyunki desh like Pakistan aur North Korea jaise desh, they were acquiring nuclear technology by illegal ways, and they were saying that they are producing weapons. खुद शरेआम बिल्कुल बोलते थे कि न्यूक्लियर वेपन्स प्रोड्यूस कर रहे हैं. इस चीज़ का बहुत ज़्यादा दबाव पड़ गया इंडिया के ऊपर, और इंडिया इनके अगेंस्ट हो गया कि पाकिस्तान जैसे देश और नॉर्थ कोरिया जैसे देशों को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी अडॉप्ट नहीं करना चाहिए. इसी की वजह से इंडिया का रिलेशनशिप स्ट्रेन हो गया नॉर्थ कोरिया के साथ, खराब रिलेशनशिप हो गया हमारा. बट प्रेजेंट, जो आज की डेट में तीसरा चीज़ हमने डिस्कस करना, प्रेजेंट सिनारियो अब चेंज हो रहा है. डोनाल्ड ट्रंप का मीटिंग हुआ है नॉर्थ कोरिया के प्रीमियर के साथ, और दोनों ने डिसाइड किया है दैट नॉर्थ कोरिया विल अंडरगो डीन्यूक्लियराइजेशन.
दैट नॉर्थ कोरिया अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म कर देगा. सो इंडिया आज की डेट में इसी की वजह से इंडिया का जो रिलेशनशिप है नॉर्थ कोरिया के साथ वो कहीं ना कहीं बेटर होगा डी न्यूक्लियराइजेशन की वजह से. सेकेंडली इंडिया का इन्वॉल्वमेंट साउथ कोरिया में बढ़ने वाला है बिकॉज जिस तरह से इंडिया का एक पॉलिसी है एक्ट ईस्ट पॉलिसी उसी तरह से नॉर्थ कोरिया का भी एक पॉलिसी है टूवर्ड्स सदरन पॉलिसी. इट इज द सदरन पॉलिसी ऑफ नॉर्थ कोरिया. वो कहते हैं कि लाइक साउथ एशिया ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया ये कुछ ऐसे देश हैं जिनके साथ नॉर्थ कोरिया अपने सॉरी साउथ कोरिया अपने रिलेशंस बढ़ाना चाहता है. और साउथ कोरिया का जो रिलेशनशिप है विद रिस्पेक्ट नॉर्थ कोरिया वो भी अच्छा हो रहा है. सो इंडिया एक तरह का सपोर्ट सिस्टम एक्ट कर सकता है फॉर साउथ कोरिया. इट कैन एक्चुअली सपोर्ट साउथ कोरिया सो दैट साउथ कोरिया कैन इंडल्ज इन टॉक्स विद नॉर्थ कोरिया एंड बोथ ऑफ देम कैन डू द रेप्रोचमेंट. रेप्रोचमेंट क्या होता है? रिलेशनशिप को बेटर किया जाए. तो हिंदुस्तान का अपना भी नॉर्थ कोरिया से जो गड़बड़ था न्यूक्लियर इशू को लेके वो भी खत्म हो गया है. सिनारियो भी चेंज हो गया. यूएसए के साथ भी रिलेशनशिप हो गया. डी न्यूक्लियराइजेशन इज ऑल्सो ऑन द टेबल. सो इंडिया कैन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द फ्रेंडशिप बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ कोरिया. सो दिस वॉज ऑल फॉर द क्लास. कोई भी डाउट हो यू कैन कॉन्टैक्ट मी एट 8459400000. अगर आप मेरी ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं चंडीगढ़ में या दिल्ली में फिर भी आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए. बहुत ज़्यादा डिमांड था कि वीडियोज़ को थोड़ा हिंदी का टिंज दे देना चाहिए इसीलिए अब हिंदी में ज़्यादा करना शुरू कर दिया है. सो दिस वॉज ऑल फॉर द डे. बाय बाय. टेक केयर. हैव अ नाइस डे.